हेलो स्टूडेंट स्वागत आपका सीएलसी के यूट्यूब चैनल पे माई सेल्फ आर सी देवाल टीम केमिस्ट्री सीएलसी एल सीखकर मैं आज आपको जेई मेन और जेई एडवांस के डीसीएम सेकंड का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं जिसके टॉपिक जो है हमारे पास वो है केमिस्ट्री का पेपर है नोमलेचर आईसम एंड पीरियोडिक हम यहाँ पे पहले जेई मेन का डिस्कशन करेंगे

थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट दिस टाइप की नंबरिंग होती है बट अगर मान लो तीन रिंग आपके पास अरेंज आ गई तो यहां से हो जाएगा वन टू थ्री फोर फिर इसका होगा फाइव सिक्स सेवन एट लास्ट में नाइन और ये टेन इनको नंबर नहीं देंगे क्योंकि यहां तो कोई सब्सिटेंट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो इन कार्बन को हम नंबर यहां पे नहीं देंगे

तो फिर मैं कर तो यहां से ना हो तो यहां से स्टार्ट हो गया ना 1 2 तो इस कंपाउंड में पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप इन फॉलोइंग कंपाउंड विल बी अकॉर्डिंग टू तो आईपीएस सिस्टम दैट मींस आंसर विल गोस थर्ड नाइन एंड टेन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कंपाउंड दिया है एक बार हमें पीछे जाना पड़ेगा व्हाट इज द आईपीसी नेम फॉर भी पूरा एनसीआर है कि इस का नाम क्या होगा? तो हम देखेंगे मल्टीपल सबसे पहले को दिया जाता है, उसके बाद मल्टीपल बोन्ड को और लास्ट में किसको दिया जाता है, को. तो, ये जो है, वो तो, है. तो यहां से नंबरिंग होगी वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इधर से करता हूं वन टू थ्री फोर फाइव पे आता है तो ये फोर पे आया तो सिंपल सा नेमिंग हो जाएगा फोर मिथाइल साइक्लो हेक्सिन सेकेंड इज करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं

टू थ्री डाई मिथाइल तो इसमें थ्री टू दिया है यह भी गलत है क्योंकि टू पहले लिखा होना चाहिए तो फोर क्लोरो टू थ्री डाइमिथाइल पेन टेन वन ओल दिस इज करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है आई पे सी नेम ऑफ वेनिलीन विल बी डेफिनेटली आप जाओगे ट्वेल्थ क्लास की एनसीआरटी कार्बोनिल कंपाउंड में जाओगे तो जहां से कार्बोनिल कंपाउंड स्टार्ट हुआ है उस चैप्टर के शुरू में वेनिलीन की स्ट्रक्चर दी गई है तो आपको वो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए एनसीआरटी बेस्ट क्वेश्चन है तो वेनिलीन कॉल्ड दिस कंपाउंड ओ एच और O सी एच थ्री सी एच ओ दिस कंपाउंड कोल्ड वेनिलीन इस कंपाउंड का नाम है वेनिलीन अब इसका हम आईपीसी नेमिंग करेंगे तो पंक् ग्रुप ये वाला है वन टू थ्री फोर तो फोर नंबर पे अपने पास है हाइड्रोक्सी और थ्री नंबर पे अपने पास है मेथोक्सी तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करते हुए लिखना है हाइड्रोक्सी पहले लिखा जाएगा जो फोर नंबर पे आए तो फोर हाइड्रोक्सी फोर हाइड्रोक्सी थ्री मेथोक्सी बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड दिस इज करेक्ट आईपीएस नेम ऑफ वेनिलिन दैट्स अ वेरी सिंपल ये वेनिलिन का सिंपल आईपीएससी नेम होगा नेक्स्ट बात करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंड डाई इथाइल ब्यूटेन एमीन ये भी एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है एन कंटेनिंग कंपाउंड जो दिया हुआ है उसमें एक टेबल दी हुई है उस टेबल में आईपीएस नाम भी दिए हुए हैं वहीं से क्वेश्चन लिया हुआ है एन एन डाई इथाइल ब्यूटेन वन एमिन तो आप देखिए ब्यूटेन और वन एमिन तो ब्यूटेन बनाए चार कार्बन की स्ट्रक्चर बनेगी और एक नंबर पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है one one, two, three, और इस पे लगा हुआ है एन एन डाई इथाइल दो इथाइल लगे हुए हैं तो एक इथाइल यहां लगा दिया मैंने और एक इथाइल यहां लिखा दिया और ये कंपाउंड हो गया एन एन डाई इथाइल ब्यूटेन वन एमिन वेरी सिंपल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है तो एन एन ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है यहां पे तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड नेक्स्ट ये भी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है डेफिनेटली आप हेलोजन डेरिवेटिव वाले चैप्टर में जाओगे पीछे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें ये कंपाउंड दिया हुआ है इसका आईपीसी नाम बताना है तो सबसे पहले कंपाउंड की स्ट्रक्चर को हम ओपन कर लेते हैं एक कार्बन पे तीन सीसीएल3 लगे हुए हैं एक ये दो ये तीन और एक सीएल लगा हुआ है अब इसको ओपन करते हैं तो कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और इस पर तीन सीएल लगे हुए हैं और एक कार्बन यहां लगा हुआ है इसपे भी सीएल लगे हुए हैं और एक सीएल यहां लगा हुआ है और यहां इस कार्बन पे भी तीन Cl लगे हुए हैं

और तीन नंबर पे तीन सी लगे हुए हैं और एक ये अलग से सेपरेट सब्सिटेंट हो गया दिस इज ट्राई क्लोरोमिथाइल इसका नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरो मिथाइल इस सब्सिटेंट का नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरोमिथाइल तो दो नंबर पे बट यहां पे हम देखें कि वन ये आएगा क्लोरो और ये आएगा ट्राई क्लोरोमिथाइल तो डेफिनेटली पहले क्लोरो लिखा जाएगा तो देखो वन वन टू टू थ्री थ्री हेप्टा क्लोरो वन पे तीन हो गए टू पे एक हो गया थ्री पे तीन हो गए क्लोरो फिर दो नंबर पे ट्राई क्लोरोल एंड प्रोपेन दैट मीन आंसर विल गोज फोर्थ एनसीईआरटी का क्वेश्चन दैट्स अ वेरी सिंपल नेक्स्ट ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेवजह क्वेश्चन को लेके पैनिक ना हो आप बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी तो इस क्वेश्चन की बात करें बीच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज वन ई थ्री एस मतलब डबल बोन्ड की ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए ई e होनी चाहिए कायरस सेंटर का कॉन्फिगरेशन कैसा होना चाहिए एस होना चाहिए और वन थ्री डाइमिथाइल साइक्लोडेकिन डेकिन का मतलब यहां पे कितने कार्बन होने चाहिए दस कार्बन होने चाहिए तो यहां यहां मैं बात करूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इसमें भी टेन कार्बन है इसमें टेन कार्बन है ही नहीं तो इसका मतलब ही नहीं है इसमें कार्बन ही नाइन है इसमें भी टेन कार्बन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन मैंने मल्टीपल बोन को पहले दिया है उसके बाद मैंने सब को नंबरिंग किया है यहां पे नंबरिंग होगी इधर से वन टू थ्री तो यहां अपना सब आ जाएगा थ्री नंबर पे यहां भी थ्री पे यहां भी थ्री पे अब हमने बहुत बोला कि एक नंबर पे जो कॉन्फिग्रेशन है वो ई e होना चाहिए कैसा कॉन्फिग्रेशन होना चाहिए ई e होना चाहिए तो आप देखो इसमें जो अपोजिट डायरेक्शन में है थोड़ा सा कलर लेके मैं बता देता हूं ये अपोजिट डायरेक्शन वाला बोन्ड ये वाला बोन्ड ये, ये वाला तो इसका कॉन्फिग्रेशन कौन सा है ई e है इसका कॉन्फिग्रेशन भी कौन सा है हायर प्रियोरिटी ये भी ई e है बट इसका कॉन्फिग्रेशन है कौन सा इसका कॉन्फिगरेशन है जेड क्योंकि ये ऐसे जा रहा है बाकी इसमें ये ऐसे जा रहा है और ऊपर वाले में भी ये ऐसे जा रहा है तो एक आंसर भी हो गया अब हमें जो तीसरे नंबर का है इसका आर या एस निकालना है कि एस कहां पे है तो मैं फर्स्ट ऑप्शन को चेक करता हूं फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में ये वाला डबल बोन्ड और यहां ये मिथाइल लगा हुआ है और यहां पे क्या प्रेजेंट है एच प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करूंगा एक नंबर इसको मिलेगा दो नंबर इसको तीन नंबर इसको चार नंबर इसको रोटेशन चेक करूंगा एक से दो की तरफ जाऊं या जाऊ की तरफ तो एक से दो की तरफ में रोटेट हुआ एंटी क्लॉकवाइज कैसे रोटेट हुआ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ एक से दो की तरफ गया तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ तो वही रहेगा मतलब इसका कॉन्फिगरेशन क्या आने वाला है एस आने वाला है

यहाँ पे एस पूछा है और एस हमारे पास स्पष्ट का है आया है तो आंसर विल बी गो फर्स्ट नेक्स्ट ये भी का क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि करेक्ट नेम गिवन तो ग्रुप है? फिनोल, तो एक नंबर इसको मिलेगा दो इसको तीन इसको चार इसको, कर देंगे अपन। तो दो नंबर पे ब्रोमोन है तो टू ब्रोमो ये वाला कैंसिल हो गया ब्रोमो के बाद हम लिखेंगे क्लोरो फोर क्लोरो तो फोर क्लोरो यहां पे है तो इस पे भी है तो ये वाला ऑप्शन के लिए हो गया कैंसिल आउट थ्री इथाइल साइक्लोहाइड्रोक्सी ना जी ये आईपीसी नाम नहीं है थ्री इथाइल साइक्लोब्यूटेनॉल क्योंकि इसका जो सफिक्स होता है वो कौन सा होता है ओल होता है तो आंसर जाएगा वो जाएगा फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू मोलिक्यूल सोवन दो कंपाउंड आपको दिए गए हैं इनका आपको रिलेशन बताना है तो सिंपल सा है ये वाला जो है वो कौन सा है ट्रांस और ये वाला कौन डाइस्टमर है? तो बोलते हैं जोमेट्रिकल आइसोमर्स कोल्ड डाइस्टीरियोमर इनको हम क्या बोलते हैं डाइस्टीरियोमर बोलते हैं तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा वेरी सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां आपको यह बोला हुआ है कि कौन सा कंपाउंड इनोलेट बनाएगा तो एल्पा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रजेंट तो देखो इनोलेट ये तो बना लेगा यहां से बना लेगा इनोलेट

नेक्स्ट ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है पूछा है व्हाट इज द द नेम ऑफ़ फॉलोइंग कंपाउंड तो आप ऑप्शन में देख रहे हो कि कंपाउंड की स्टीरियो साथ में दी हुई है तो टू नंबरिंग से करूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो एक डबल बॉन्ड तो अपने पास टू नंबर पे है एक डबल बॉन्ड अपने पास चार नंबर पे है दो नंबर वाला है वो नंबर वाला है वो

और हेप्टा इन लिखता केवल ये लिखता डाई एन ये लिखता तब सही होता तो ये डबल बार लिख दिया इसलिए गलत हो गया दोनों सीस में नहीं है गलत हो गया टू -ई, ये वापस वो डबल रिपीट कर दिया नहीं होगा तो आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट नेक्स्ट ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लगाओ लगाओ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोम ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोम शो करेगा क्योंकि इसका एक आइसोमर सोमर ये वाला भी बनेगा तो ये वाला तो हो गया सिस और ये दोनों अपोजिट हो गए ट्रांस तो ये तो शो कर रहा है ये वाला भी शो करेगा एक तो ये जो दिया हुआ है ये तो है सिस और इसका दूसरा फॉर्म जो बनेगा ये लो अब दोनों डबल बोन क्या हो गए अपोजिट साइड में ये इसका कौन सा फॉर्म बन गया ट्रांस नेक्स्ट बात करते हैं इसकी ये वाला शो नहीं करेगा ये वाला यहां से शो करेगा इस रिंग से शो करेगा ये जो तो रिंग है ना दोनों सीएसत्री हम सेम साइड दिखा सकते हैं और दोनों सीएसत्री को हम अपोजिट साइड दिखा सकते हैं बाकी तो ये चलता रहेगा ऐसे जो भी लिखा हुआ है तो कौन सा शो नहीं करेगा ये पूछा है तो आंसर जाएगा थर्ड वेरी सिंपल नेक्स्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट इनोल कंटेंट इनोल कंटेंट सबसे ज्यादा किसका होगा वैसे तो मैं आपको एक चीज बता दू यहां पे वन टू थ्री इन तीनों स्पीसीज का इनोल फॉर्म जो है परसेंटेज इज ग्रेटर देन कीटो बट ये वाला जो थर्ड वाला है ये वाला कंपाउंड है ये इसका इनोल जब बनाऊंगा डबल बोंड ओ सी एच एच सी डबल बोंड ओ और ये इसका इनोल बनाऊंगा तो ये यहां से शो करेगा इनोल और ये बनेगा सी ओ एच डबल बोंड सी एच सी ओ और ये वाला तो दिस डबल बोंड ये जो डबल बोंड है वो हाईली स्टेबल है हाईली स्टेबल है देखो यहां से यहां यहां से यहां यहां से यहां और यहां से यहां रिंग के साथ क्या दिखा रहा है दिखा रहा है तो यहां हाईली स्टेबल है इसका जो होता है, वो हंड्रेड परसेंट होता है कितना होता है हंड्रेड परसेंट इसका इनोल परसेंट जो होता है वो नाइन्टी परसेंट के आसपास होता है और इसका इनोल परसेंट होता है सेवन सिक्स ये मैंने लिक्विड फॉर्म में बात की है जब कंपाउंड खुद लिक्विड हो सोलवेंट लेस बात की है मैंने ठीक है तो इसका इनोल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज डबल बोन जो हम जनरेट कर रहे हैं नया वो रेजोनेंस के थ्रू क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा नेक्स्ट दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए कायरल कंपाउंड किसको बोलेंगे कंपाउंड कंपाउंड विच हैव विच है प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंट्रफ सेमेट्री कोल्ड एकायरल वो कंपाउंड जिनमें पीओ एस और सीओ एस प्रजेंट होगी उनको हम क्या बोलेंगे एकाइरल एंड पीओ एस एंड सीओ एस एबसेंट होगी इफ पीओ एंड सीओ एस एबसेंट देन कोल्ड कायरल तो हमसे पूछा है एकायरल ठीक है तो इसमें यह वाली प्लेन पीओएस क्या है एबसेंट सीओएस भी क्या है एबसेंट तो इसका मतलब यह तो क्या हो गया कायरल इसमें प्लेन नहीं लगेगी अगर आप प्लेन लगाओगे तो इसके सामने यहां ग्रुप आना चाहिए इस जगह आना चाहिए इसके सामने इसके सामने यहां आना चाहिए यह वाली प्लेन भी नहीं लगेगी ये वाली भी नहीं लगेगी इस ऑप्शन के सामने यहां ऑप्शन आना चाहिए वन थ्री पोर्सन सेम होती है याद करो पड़ा टाइम बोला था वन थ्री पोजिशन सेम होती है तो इसमें भी पीओ एस एपसेंट सीओ एस एब्सेंट इसमें बात करेंगे तो इसमें भी प्लेन नहीं लगेगी ये वाली नहीं लगेगी क्योंकि इसके सामने मिथाइल नहीं है ये वाली भी नहीं लगेगी इस ऑक्सीजन के सामने यहां ऑक्सीजन आना चाहिए तो इसमें भी एस एपसेंट और सीओ एस भी क्या है एपसेंट बट 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 सेकेंड ऑप्शन को हम चेक करें तो इसमें पीओ एस एबसेंट बट सी ओ एस क्या हो गई प्रजेंट सेंट्रॉफ सिमेट्री इसमें प्रजेंट है देखो ये इसके अपोजिट हो गया इसके अपोजिट ही हो गया इसके अपोजिट ही हो गया तो एकाइरल कौन सा होगा सेकंड, बिकॉज ड्यू टू ए प्रजेंट्स ऑफ सिमेट्री दैट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी गुड क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं ये लो येलो टेबल भी पार्ट है इसमें मैंने पहले बोला है कि predictable भी है 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 इसमें बोला ठीक सुनो पहला तो हाइड्रेशन एनर्जी तो क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज तो हाइड्रेशन एनर्जी एल प्लस थ्री की ज्यादा होगी तो ये तो गलत हो गया साइज इन एक्वस ठीक है मोर हाइड्रेशन मोर साइज जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा मोर साइज होगा तो हाइड्रेशन सबसे ज्यादा ऑर्डर ओप हाइड्रेशन बताओ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसका होगा वो होगा एन माइनस थ्री का उसके बाद ओ माइनस टू का फिर एप माइनस का तो साइज इन एक्वस यही हो जाएगा एन माइनस थ्री का सबसे ज्यादा फिर ओ माइनस टू का और सबसे कम किसका होगा एफ माइनस का <laughs> वो कंसेप्ट नहीं लगेगा छोटा है वो मोटा बकवास चीजें होती उनसे कुछ नहीं होता कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सोल्व करें जिसका जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा वो उतना ही ज्यादा उसका साइज इक्वस में ज्यादा रहेगा तो ये ऑर्डर तो सही है तो यहां ये वाला ऑर्डर सही है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ठीक है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज तो गलत है अपोजिट होना चाहिए आयनासन एनर्जी तो देखो आईई फर्स्ट फॉर बोरोन फैमिली तो सबसे ज्यादा होता है बोरोन का फिर थेलियम का फिर एल्युमिनियम का फिर गेलियम का सॉरी ऑर्डर हम दोबारा लिखते हैं सबसे ज्यादा बोरोन का फिर थेलियम का, फिर गेलियम का फिर एल्यूमिनियम का और सबसे ज्यादा कम होता है इंडीनियम का तो हमें बोला है कि थेलियम का सबसे ज्यादा ठीक है फिर इंडीनियम का तो गलत हो गया ऑर्डर तो आंसर जाएगा वो जाएगा सेकंड, नेक्स्ट

हम यहां चले गए नीचे मतलब नाइट्रोजन फैमिली में पोस्पोरस के नीचे आर्सेनिक आएगा तो बोला है कि हाईएस्ट आइनसन एनर्जी किसकी होगी हाईएस्ट आइनसन एनर्जी किसकी होगी तो डेफिनेटली है एल्यूमिनियम है एल्यूनियम से ज्यादा किसकी होती है सिलिकन की सिलिकन से ज्यादा किसकी होती है पोस्पोरस की और ये आ गया नीचे आर्सेनिक तो मैक्सिमम आइनसन एनर्जी किसकी होने वाली है पोस्पोरस की होने वाली है तो आंसर हो जाएगा सेकंड स्टेबल कॉन्फिगरेशन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर क्या है तो ये वाला ऑर्डर सही है स्केंडियम से लेके क्रोमियम तक स्केंडियम से लेके स्केंडियम से लेके क्रोमियम तक डिक्रीज होती है स्केंडियम फिर टाइटेनियम फिर वेनेडियम फिर क्रोमियम फिर मैग्नीज की बढ़ती है ठीक है फिर आयरन और कोबाल्ट की ऑलमोस्ट क्या होती है निकिल इनकी ऑलमोस्ट क्या होती है सेम होती है फिर आता है कॉपर और उसके बाद जिंक तो ये वाला तो सही है यहां पे आइस स्पीसीज है ये टेन टू सेल इसमें टू सेल है और इसमें कितने हो गए थ्री सेल हो गए आइसो स्पीसीज है ये वाली तो इन दोनों में से एस माइनस टू का फिर सीएल माइनस का फिर ये भी सही है टाइटेनियम जर्कोनियम हापमेनियम द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटोमिक तो ये वाला तो सही है बट ये वाला गलत है एन माइनस थ्री का साइज बड़ा होगा किससे तो गलत हो गया टाइटेनियम जर्कोनियम तो टाइटेनियम से बड़ा जर्कोनियम और का साइज क्या होता है सेम होता है। ऐसा क्यों होता है नाम सुना होगा एल एन कॉन्ट्रेक्शन लेंथनाइड कॉन्ट्रेक्शन के कारण ऐसा होता है तो ये भी गलत है <coughs> कॉपर से बड़ा जिंक में बोल रहा हूं तो ये भी गलत है आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट नेक्स्ट ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है ज्यादा है नहीं N0 NO2 एटम ऑफ XZ आर कन्वर्टेड इनटू X+ ये बोल रहा है NO डिवाइडेड बाय 2 एटम जो है वो X के उनको कन्वर्ट किया हमने X+ में ठीक है बाय एनर्जी E1 कितनी एनर्जी चाहिए E1 और NO2 एटम ऑफ X ठीक है

ठीक है E1 वन एनर्जी ई वन एनर्जी रिक्वायर्ड फोर अक्स ई वन एनर्जी किसके लिए चाहिए अक्स के लिए चाहिए या फिर ये बोल दें कि NO2 के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी वो कितनी है E1. तो वन वन एटम के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी ई वन डिवाइडेड बाई एन ओ डिड बाई टू इसको हम सोलो कर लेंगे तो आ जाएगा टून डिवाइडेडेड बाई एन ओ भाई एन ओ टू एटम के लिए रिक्वायर्ड है ई वन तो एक एटम के लिए इतनी हो जाएगी इसको सोल्यूशन सोलो कर लिया ये आ गया फिर इसको ऐसे ही इसको सोलो कर लूंगा इसके लिए आ जाएगा तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द बेसिक करेक्टर ऑफ द ऑक्साइड एमजीओ के टू ओ एन आई सी एस टू ओ तो आप इसको देखो सिंपल सा देखें मैग्नीशियम यहां है फिर उसके बाद मैग्नीशियम से आगे नीचे आपके पास कैल्सियम है स्टोनशियम है इधर आपके पास इधर आपके पास यहां पोटेशियम है यहां रूबीडियम है और यहां सीजियम है ओके okay? और उसके बाद इधर आएंगे तो आपके पास इधर आएगा एन आईओ तो पहले तो ये सुन एस ब्लॉक ऑक्साइड ये ध्यान रखें ब्लॉक ऑक्साइड मोर बेसिक मोर बेसिक देन डी ब्लॉक ऑक्साइड इसका ध्यान रखें ब्लॉक के ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होते हैं डी ब्लॉक ऑक्साइड से तो यहां पे टॉप टू बॉटम बेसिसिटी बढ़ती है टॉप टू बॉटम बेसिक नेचर इंक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट बेसिक नेचर डिक्रीज होती है तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका होगा सी एस टू ओ का फिर उसके बाद हमें दिया हुआ है स्ट्रोनशियम दिया हुआ है क्या तो एस आर ओ हो जाएगा उसके बाद किसका हो जाएगा के का हो जाएगा उसके बाद किसका हो जाएगा एम जी ओ का हो जाएगा सबसे कम किसका हो जाएगा NiO का तो हमें बोला है बेसिक इंक्रीजिंग ऑडर तो सबसे ज्यादा सी एच टू का है तो इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है सबसे कम NiO का है इसका कोई मतलब नहीं है आंसर आएगा वो आएगा आपका थर्ड नेक्स्ट इन द कंपाउंड एमओ एच बॉन्ड विल बी ब्रोकन इन एक्वस मीडियम लेटेस्ट एनर्जी आपको यहां पे क्या करनी है इग्नोर करनी है तो देखो एम ओ और ये H, इसका दो तरीके से क्लीवेज हो सकता है कलर यूज में लेते हैं तुम्हारी लाइफ को कलरड बनाते हैं देखें आप इधर अगर ये बोन टूटा तो ये बोन टूटा तो एम प्लस और ओ एच माइनस और ये एक नंबर बोन टूटा और अगर ये दो नंबर बोन टूटा तो एमओ माइनस और क्या बनेगा एच प्लस बनेगा अब बोन टूटेगा कौन सा वो चेक करना है हमें तो यहां पे मान लो एम ओ एच यहां इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी डिफरेंस बोल देता हूं डेल ई एन और यहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बोल देता हूं डेल ई एन डेस ये वाला कब टूटेगा जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये डेल ई एन इज ग्रेटर देन डेल ई एंड डेस तब तो क्लीवेज होगा एक नंबर वाला ये वाला और यदि डेल ई एन का डिफरेंस ज्यादा है ये ज्यादा है डेल ई एन से तो क्लीवेज होगा दूसरे वाला तो हमें पता है ये कब टूट सकता है जब मेटल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो ज्यादा हो तो ऑक्सीजन अब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ऑक्सीजन तो ये वाला कब हो सकता है जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिविटी ज्यादा हो मेटल से तो मेटल से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा मेटल रिलीज हो जाएगा और अगर हाइड्रोजन अब ऑक्सीजन से भी लेगा मेटल से भी लेगा तो हमें तो ये देखना है ये बोन तोड़ना है तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनिविटी मेटल की कम होनी चाहिए तो मैंने बोला डेल ई एन ओप एंड ओ ये देखो इस पे इस पे दो ये कब टूटेगा जब डेल ई एन एम ओ ये वाला एमओ लेस हो ना एम ओ इक्वल हो ना ज्यादा होना चाहिए तब ये वाला बोन टूटेगा नेक्स्ट ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है सिंपल एकदम पेपर सिंपल है विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो याद ध्यान रखिए एकदम रामबान देखे जा रहा हूं नाइट्रोजन है फॉस्फोरस है ऑक्सीजन है सल्फर है क्लोरिन है क्लोरीन है देखो इनकी अगर हम बात करें ना इनकी बात करें ना तो सबसे ज्यादा क्लोरीन की होगी ठीक है फिर फ्लोरीन की फिर सल्फर की फिर ऑक्सीजन की फिर, की, फिर की ऐसे तो यहाँ क्लोरीन की कम किसकी होगी नाइट्रोजन की तो सबसे ज्यादा हमें बोला है कि होगा सीएल उसके बाद फ्लोरीन होना चाहिए सीएल के बाद फ्लोरीन सल्फर ऑक्सीजन मतलब सेकंड इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री की बात करते हैं विथ फॉलोइंग रिप्रेजेंट इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोसन एनर्जी तो ये कार्बन फैमिली है भैया कार्बन फैमिली पेन कहा गया मेरा आजा 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 भैया मही के लिया चलो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोसन एनर्जी तो सबसे पहले कार्बन फैमिली की बात करें तो ध्यान रखिये भैया कार्बन की सबसे ज्यादा फिर सिलिकन की फिर जर्मेनियम की फिर एसन की एसन से ज्यादा किसकी होती है पीबी की फिर इसमें ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है आइसो सॉरी सेम एलिमेंट आइन सेम एलिमेंट आइन पूरा कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सेम एलिमेंट आइन हो या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो इनके लिए आईई का ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज नेगेटिव लिखा है भैया। तो यहां तो सबसे ज्यादा इसकी होगी ये वाला ऑर्डर होना चाहिए तो ये गलत हो गया आपसे पूछा है इनकरेक्ट हीलियम, न्योन आर्गन हीलियम का सबसे ज्यादा होता है आई प्लस तो वो इसी से हो जाएगा पॉजिटिव वाला का ये भी सही है ये भी सही है ये वाला इसी से हो जाएगा इसको समझे सेम एलिमेंट आयन हो लेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो आईनस एनर्जी निकाल लो या फिर ई e ए निकाल लो या फिर ई e एन निकाल लो या फिर जेड इफेक्टिव निकाल लो सबके लिए यही फॉर्मूला लगेगा एक के साथ तीन प्री दे रहा हूं ना तो यहां पे हमसे पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है तो इनकरेक्ट ये है बाकी सब सही है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पूछा है इनोल कंटेन ऑफ ए एंड बी तो देखो अगर ये इनोल बनाएगा तो ये यहां से हा ये यहां से हा ये बनेगा ठीक है डबल बोन्ड ओ और यहां पे सॉरी ए की बोन्ड दिखाना ओ एच और ये डबल बोन्ड और ये बनाएगा तो ये यहां से हा ये यहां से हा तब ये बनाएगा ये वाला ये डबल बोन्ड ओ हो गया ये डबल बोन्ड ओ हो गया ये ओ एच में कन्वर्ट हो गया और सिस्टम क्या बन गया एरोमेटिक

इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर ठीक है ई पी सी पॉजिटिव करेक्टर क्या होगा बढ़ेगा डिक्रीज डिक्रीज। होगा, दिक्रीज. और टॉप बॉटम इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर इनक्रीज होगा आगे बात में अब आप इनको अरेंज कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कौन सा कहां एलिमेंट है सबसे पहले इसके आया ठीक है इस के, के पास आगे चले 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 आयरन आ गया और इससे पहले आरबी का आ गया यहां पोटेशियम है यहां कैल्शियम है और यहां रूबीडियम है तो आपके पास ये आयरन आ गया फिर आयरन के पास ब्रोमीन बहुत सिंपल है ये फ्लोरीन आ गया क्लोरीन आ गया और ये ब्रोमीन आ गया ठीक है ब्रोमीन के बाद इधर आपके पास ऑक्सीजन ये सल्फर सेलेनियम और यहां पे कौन है टेल्यूरियम और इसके अलावा बी आर है है, कैल्सियम है है, कलर 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 एक तो आपको आयरन दिया, 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 दिया हुआ है सबसे ज्यादा किसका होना है आरबी का मैक्सिमम होना है तो इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है इसका भी कोई मतलब नहीं है आरबी का मैक्सिमम होना है उसके बाद यहां पे इधर आपको दिया हुआ है आ, क्या दिया हुआ है टेलोरियम फिर क्या दिया हुआ है बी और उसके बाद क्या दिया हुआ है फ्लोरिन फ्लोरिन का मिनिमम होगा फ्लोरिन का मिनिमम यहां भी है अब बी और टेल्यूरियम में ज्यादा टॉप टू बॉटम बढ़ता है तो टेल्यूरियम का ज्यादा है बी का कम रहेगा यह वाला ऑर्डर आएगा देखो ऐसे आंसर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए द आर एस बता कंपाउंड आर आर इनका एस निकालना है तो यहां से हम निकालेंगे नंबरिंग डिसाइड करेंगे एक नंबर इसको मिलेगा दो नंबर फ्लोरिन वाले को मिलेगा तीन नंबर इसको मिलेगा चार नंबर इसको मिलेगा एक से किधर जाऊं चार की तरफ चार की तरफ रोटेट हुआ जैसा निकालना बताया हुआ है क्लॉकवाइज हुआ आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है तो इसका आएगा आर नेक्स्ट आ जाओ इस पे

ठीक है ये कार्बन डबल बोन्डेड कार्बन से है ये कार्बन कार्बन से ही है बट वो ऑक्सीजन से तो एक नंबर इसको मिलेगा दो इसको मिलेगा तीन इसको मिलेगा चार इसको मिलेगा वापस एक और दो की तरफ जाऊंगा मतलब आर आर सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स अभी अरे आ जाओ आ जाओ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है अच्छा नया बोर्ड मिल गया तो इसको सीखने में टाइम लगेगा वैसे तो भी हैंडल कर रहे हैं फॉलोइंग आइसोमेरिक स्ट्रक्चर हैज द लोवेस्ट एनर्जी तो देखो ये वन थ्री है और वन थ्री क्या है ये ट्रांस वन थ्री ट्रांस का मतलब होता है एक्जियल इक्वेटोरियल क्या मतलब होता है एक्जियल इक्वेटोरियल वही वन टू ट्रांस होता है एक्जियल एक्जियल तो एक बी आर जाएगा इक्वेटोरियल पे और एक जाएगा एक्जियल पे ये वन टू क्या है सिस। तो one two का मतलब और और ये वन फोर है, तो है और वन फोर का मतलब दोनों ही ट्रांस है और ये जाएंगे इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल तो मोस्ट यूबल इसमें डाइ एक्ल इंट्रेक्शन हुआ इसमें भी डाइ एक्ज इंट्रेक्शन हुआ इसमें नहीं हुआ इसमें नहीं हुआ ठीक है बट इससे स्टेबल ये रहेगा हमें पूछा का मतलब most stable. Most stable. इस वन टू से ज्यादा वन फोर ज्यादा स्टेबल रहेगा क्योंकि दोनों ही ग्रुप दूर है यहां दोनों ग्रुप पास है तो इनके बीच रिपल्सन तो होगा यहां रिपल्सन भी नहीं होगा तो आंसर जाएगा फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन में क्या पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज रिजोलेबल तो इसका ध्यान रखिए पहले रिजोलेबल बताना चाहिए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कोल्ड रिजॉल्वेबल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को क्या बोलते हैं रिजोलेबल बोलते हैं तो देखो इसमें इसमें पीओएस लग जाएगी प्रेजेंट तो ये तो ऑप्टिकली क्या हो गया इनएक्टिव हो गया बेटा और यहां पे बात करें इसमें भी प्लेन लग जाएगी पीओ एस परजेंट तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव इसमें प्लेन पीओ एस एपसेंट और सी ओ एस भी क्या है एपसेंट तो ये रिजोलेबल हो गया इसमें प्लेन लग जाएगी ये वाली दोनों रिंग परपेंडिकुलर है एनओ टू एस ए दोनों एसओ थ्री एस ए है प्लेन लग जाएगी

और आगे वाले कार्बन पे आगे इसको रखा है तो एक एच है ये रा एच और एक CH, एक तो आंसर इसका आ जाएगा फर्स्ट तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो, 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 तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप ये पढ़े सी वन सी टू बंद के सापेक्ष आपको शांत स्वरूपण बताना है मतलब स्टगर्ड कंफर्मेशन आपको बताना है स्टगर्ड में मैक्सिमम स्टेबिलिटी होनी चाहिए नेक्स्ट थोड़ा सा पीछे जाएंगे वापस क्वेश्चन नंबर थर्टी पूछा है अमंग द ब्यूटेन कंफर्मर विच अकर एट एनर्जी मिनिमा ऑन ए ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डायहेड्रल एंगल तो डायहेड्रल एंगल जैसे मैं यहां लेता हूं जीरो वन ट्वेंटी वन एटी टू फोर्टी थ्री हंड्रेड और थ्री सिक्सटी और इधर लेता हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है फिर उसके बाद 60 पे थोड़ी कम होती है क्योंकि बनता है पार्शियली स्टगर्ड वो सॉरी गोच इंट्रेक्ट बनता है गोच इंट्रेक्ट बनता है वन ट्वेंटी पे वापस बढ़ती है वन एटी पे मिनिमम हो जाती है टू फोर्टी पे वापस बढ़ती है थ्री हंड्रेड पे पार्शियली सॉरी गोच जाता है और यहां बढ़ जाती है तो ये वाले जो है ना ये ये तो है आपका यहां में बोल दू ये तो है फुली एकलिफ्ट, ये है पार्शियली पार्सियलीफ्ट ये भी है पार्शियली पार्सियलीफ्ट और ये वाला है फुली एक्लिफ्ट जाके अपनी नोटबुक में देखें पूरा करवाया हुआ है यहां ये फुली स्टगर्ड है और ये पार्शियली स्टगर्ड और ये पार्शियली स्टगर्ड मतलब यहां को मैं क्या बोल सकता हूं गोच इसको भी क्या बोल सकता हूं गोच और ये फुल को क्या बोल सकता हूं एंटी अब ये वाले तो मैक्सिमा हो गए और ये वाले क्या हो गए मिनिमा हो गए क्वेश्चन पढ़ो अमंग द ब्यूटेन कंफर्मर एनर्जी मिनिमा ए ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस वर्सेल तो मिनिमा पे कौन आया गोच आया और एंटी आया आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड तो ये थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसका एक सिंगल आंसर होना था

एक बार यहां दोनों को यहां रख सकता हूं एक मैं फिर दोनों को यहां रख सकता हूं यहां रखूंगा तो इसके दो बनेंगे एक बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस ऐसे ही इनको वन थ्री पे रखता हूं तो फिर दो बनेंगे एक बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस फोर पे रखूंगा तो दो बनेंगे सिस और ये वाला ट्रांस ठीक है तो हमें एनआईन को नेग्लेक्ट करना है ज्योमेट्रिकल को नेग्लेक्ट नहीं करना है एनआईन को नेग्लेक्ट करना है तो यहां पे एक तो ये बन गया एक फिर दो यहां से दो तीन दो यहां से चार पांच छह सात आंसर विल बी सेवन मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा सेवन पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर विल बी फॉर्म विल बी फोर डाइमिथाइल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन तो इसके में आपके पास टोटल आंसर जो आएगा वो आएगा सेवन ठीक है नेक्स्ट ये सिंपल सा है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर विल बी फॉर्म तो एसिमेट्रिक कंपाउंड है एसिमेट्रिक कंपाउंड है एसिमेट्रिक कंपाउंड क्या बोला था टू की पावर एन टू की पावर एन एन क्या है नंबर ऑफ सेंटर विच एक्सिबिट स्टीरियो तो एक कायरल सेंटर तो ये वाला हो गया देखो ये वाला कंपाउंड है सी एच थ्री सी एच इसको दिखाने से क्या फर्क पड़ने वाला है यार कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला सी एच पीछे वाले कार्बन पे पीछे वाले कार्बन पे कार्बन पे एक तो सी एच जुड़ गया एक इस पे जुड़ गया सी एच डबल बोन सी एच सी एच थ्री एक जुड़ गया सी एच डबल बोन्ड सी एच टू और आगे वाले कार्बन पे आपके पास जुड़ गया पीछे वाले कार्बन पे ये जुड़ा हुआ है एक मिनट यहां पे सी एच बी आर भी है ये भी है सी एच बी आर और फिर आगे वाले कार्बन पे जुड़ गया आपके पास सी एच सी एच थ्री सी एच डबल बोन्ड सी डबल बोन्ड सी एच और ये सी एच थ्री कलर 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 आ जाओ एक तो ये कायरल सेंटर बन गया ठीक है ओके? एक ये वाला सेंटर बन गया, एक ये डबल बोन्ड बन गया एक ये वाला कायरल सेंटर बन गया और एक ये वाला स्टीरियो सेंटर बन गया तो यहां से एन की वैल्यू रखूंगा मैं फाइव फाइव से सोलो करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास सिक्सटी 4 दैट मींस 64 करेक्ट आंसर नेक्स्ट कितने इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता आजा पेन हाउ मेनी कायरल सेंटर आर इन द पोलोन कंपाउंड कायरल सेंटर की बात करें तो एक ये वाला कायरल सेंटर हो गया, वाला हो, गया, वाला हो गया एक ये 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 वाला हो गया और एक ये वाला हो गया जीरो सिक्स ठीक है नेक्स्ट द फर्स्ट फोर सक्सेसिव एन एनर्जी फॉर द एलिमेंट आर द तो जहां लार्ज डिफरेंस आया है यहां पे क्या है लार्ज डिफरेंस ठीक है तो किस में आया है लार्ज डिफरेंस ये आई ई वन है ये आई ई टू है और ये आई ई थ्री है मतलब आई टू और आई थ्री में लार्ज डिफरेंस आया तो टू वैलेंस एल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टू द नंबर ऑफ वैलेंस एल इलेक्ट्रॉन आंसर आ जाएगा टू सेकेंड ठीक है नेक्स्ट ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्पीसीज अमंग मैग्नेटिक फॉलोइंग हैव टू पॉइंट एट फोर बोर मैग्नेटोन इज ठीक है मूवमेंट तो नंबर ऑफ द फॉलोइंग हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ टू फोर एट बोर मैग्नेटोन है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्योंकि क्या पढ़ते हैं एन एन प्लस टू बोर मैग्नेटोन एन की वैल्यू टू होती है तो आपके पास आता है टू पॉइंट एट फोर लुक एपी प्लस टू ठीक है एपी प्लस टू कॉन्फिकेशन क्या हो गया थ्री डी फाइव एन की वैल्यू कितनी हो गई फाइव ठीक है क्रोमियम थ्री डी फाइव फोर एस वन एन की वैल्यू कितनी हो गई सिक्स सी आर प्लस थ्री तो थ्री डी फाइव फोर एस वन होता है तीन लोगों निकाल दो थ्री डी फोर थ्री डी फोर का मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई फोर टी आई प्लस टू आई प्लस टू टाइटेनियम तो ये होता है थ्री डी टू तो एन की वैल्यू कितनी हो गई टू फिर है एम एन प्लस टू थ्री डी फाइव एन की वैल्यू कितनी हो गई फाइव और वेनेडियम प्लस थ्री यहां हो गया थ्री डी थ्री फोर एस टू चला गया एन की वैल्यू हो गई थ्री हमसे पूछा है नंबर ऑफ स्पीसीज अमंग द हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ 2.84 तो वो कितनी है केवल एक ही तो स्पीसीज है कितनी स्पीसीज है एक ही स्पीसीज है ठीक है ओके तो इसका आंसर आएगा वन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स ये सिंपल सा सिंपल सा सिंपल सा नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सी फाइव टेन ओ टू वेरी सिंपल आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो ये ग्रुप लगाना है टोटल कार्बन पांच है एक कार्बन गया तो चार कार्बन पे सीओ एच कहां लगा सकते हो एक बार यहां लगा सकते हो एक बार यहां लगा सकते हो एक बार यहां लगा सकते हो और एक बार यहां लगा सकते हो ठीक है, तो कितने आएंगे फोर आपके पास आ जाएंगे ठीक है तो इसका आंसर स्ट्रक्चर इस पूछा है मैं केवल तो आंसर आ जाएगा इसका फोर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर आ जाएगा फोर नेक्स्ट ये इजी क्वेश्चन है नंबर ऑफ पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो एक तो ये डबल बोर्ड देगा एक ये डबल बोर्ड देगा एक ये डबल बोर्ड देगा अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है कैसा है अनसेमेल और अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए टोटल जीआई कैसे निकालते हैं भैया पता होगा ना टू की पावर एन एन की वैल्यू आ गई आपके पास तीन तो आंसर आ जाएगा एट नेक्स्ट ये देखो ऐसे क्वेश्चन आजकल जी मेन में ट्रेंड बने हुए हैं नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन कार्ब तो बेंजीन कार्ब बनाए पाई बॉन्ड चार नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कितने हो जाएंगे आठ इलेक्ट्रॉन आंसर ठीक है नेक्स्ट पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टर्स फॉर द फॉलोइंग मोलिक्यूल इंक्लूडिंग ऑप्टिकल ऑप्टिकल तो को इंक्लूड करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है ये कायरल सेंटर है ये कायरल सेंटर है ये कायरल सेंटर है अनसिमेट्रिकल है अन सिमेट्रिकल कंपाउंड टू की पावर थ्री एट ठीक है अनसिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकल वगैरह सब इंक्लूड हो गए इस फॉर्मूले में फॉर्मूले आपको सब बताए हुए हैं नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर टेन अच्छा क्वेश्चन है थ्री फोर माइल बेंजोइक एसिड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच में लाइज इन वन सिंगल प्लेन एक ही प्लेन में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम तो लाइज कर सकते हैं थ्री फोर माइल एसिड तो देखो बेन्जोइक एसिड ये वाला हुआ ठीक है ये बेंजीन लगाई C डबल बोन्ड o, o H ये इसके दो लोन पेयर हो गए थ्री फोर माइल यहाँ पे एच लगा हुआ है यहां एच लगा हुआ है यहां लगा है, यहां लगा हुआ हुआ है, यहां लगा है। जितने भी हाइड्रोजन है ना वो सब एक ही प्लेन में है यह हाइड्रोजन sp2 से बॉन्डेड है sp2 से बॉन्डेड है sp2 से बॉन्डेड है sp2 से sp2 से sp2 से ऑल हाइड्रोजन

डिफरेंट पार्टियलेंजमेंट ऑफ एटमेंटिंग आइसोमेरिक डाईन विद्स मेंुलर फॉर्मुला सी सेवन एच टेन इंक्लूडिंग स्टीरियो स्टीरियो को तो इंक्लूड करते हुए आपको बताना है कि पॉसिबल डाई इन कितनी बनेगी इस फॉर्मुले पे और बोला है सिक्स मेंबर रिंग के साथ ठीक है तो ऑप्शन आपको दिए हुए क्वेश्चन को हम सोल्व करें तो देखते हैं कि आपको दिया हुआ फॉर्मूला सी सेवन सी सेवन एच टेन आपको फॉर्मूला दिया हुआ है तो सी सेवन एच टेन तो हम यहां पहले सिक्स मेंबर रिंग बना लेते हैं और सबसे पहले पॉसिबिलिटी आती है डबल बोन्ड लगाने की तो डबल बोंड में यहां लगा सकता हूं दोनों डबल बोन्ड में कॉन्जुकेशन में रख सकता हूं एक डबल बोन्ड बाहर रखते हुए फिर इस डबल बोन को मैं बाहर ही रखूं बट अब मैं कॉन्जुकेशन क्या कर देता हूं खत्म कर देता हूं ठीक है तो यहां पे एक पॉसिबिलिटी तो ये वाली हो गई और ये वाली हो गई जब मैंने बाहर रखा इसके अलावा आप इधर डबल बोन्ड लगाओगे तो वापस यही बन जाएगा अब अगर मैं दो डबल बोन्ड इस वे से लगाऊं कि मैंने दोनों डबल बोन्ड को कॉन्जुकेशन में रखा और अब अगर मैं CH3 की पोजीशन चेंज करूंगा तो एक बार CH3 इस पे यहां लगा सकता हूं और इसी पे एक बार CH3 में यहां लगा सकता हूं ठीक है ये दोनों मैंने कंजुगेशन में रखे तब पॉसिबिलिटी मैंने चेक की है अब इन दोनों को मैं अनकंजुगेटेड कर देता हूं तो यहां पे मिथाइल यहां रखा जा सकता है और एक पॉसिबिलिटी आप मिथाइल को यहां पे रख सकते हो डाउट इसके अलावा ये जो अनकोजुकेटेड किया आपने, इसमें भी मैं मिथाइल की चेंज कर सकता ठीक है अभी बात करूंगा इस कंपाउंड के नंबर की तो वन टू थ्री फोर और फाइव नंबरिंग होगी और ये सिक्स होगा दूसरे बात करता हूं मैं यहां लगाता हूं तो यहां लगाऊंगा तो क्या सेम नंबरिंग हुई जी हां वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स तो इसका मतलब ये और ये और दोनों तो क्या हो गए सेम हो गए ये दोनों क्या हो गए सेम हो गए अब में दूसरी पॉसिबिलिटी ये वाली आ सकती है ठीक है जब मैंने यहां लगाया और यहां लगाया ठीक है ये तो कॉन्जुकेशन हो गया सॉरी इसको में

ऐस होगा ठीक है इसके बाद में ये दोनों सेम है तो इसको मान लेते हैं एक आपके पास ये बन जाएगा ठीक है इसको हटा देते हैं क्योंकि ये और ये और क्या हो गई सेम ही हो गई है इसमें मैंने जब डबल बोन लगाया तो एक बार यहां लगाया एक बार मिथाइल ग्रुप एक बार यहां लगाया अब मैं कॉन्जुकेशन में एक बार ये भी तो कर सकता हूं कि मैं कॉन्जुकेशन में लेके आया और ये जो मिथाइल मैंने लगाया वो यहां लगा सकता हूं डबल बोन पे मैं टच ही ना करूँ इसको डबल बोन को मैंने टच ही नहीं किया है और एक बन जाएगा ये आठ वाला तो यहां देखें तो ये वाला कायर सेंटर नहीं है अपने पास तो इसको नहीं मानेंगे हम ये कायरल सेंटर नहीं है बट ये वाला कायर सेंटर अपने पास आया है तो इसके दो बन जाएंगे एक आर बन जाएगा और एक

और दो ये हो गए इसमें दो कैसे बनेगी एक तो हम ये बना देंगे जिसको एक बार द प्लेन दिखा देंगे और एक बार हम इसको बिलो द प्लेन दिखा देंगे ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इसी पैराग्राफ में विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ ए साइक्लिक एल्काइन विद द साइकिलोवेस्ट नंबर ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोम दोनों तरह की आइसोम शो करने वाली कौन सी स्ट्रक्चर है तो देखो ज्योमेट्रिकल शो करेगी ये यह यहां से एक बार हम इसको सीस पे दिखा देंगे एक बार हम इसको ट्रांस पे दिखा देंगे देखा, सेंटर ये भी ज्योमेट्रिकल करेगी बट हमसे पूछा है लोवेस्ट लोवेस्ट नंबर तो सबसे कम वैसे ये भी कर रही है बट ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि लोवेस्ट पूछा है तो लोवेस्ट नंबर ऑफ कार्बन सबसे कम इसमें है तो आंसर जाएगा फर्स्ट नेक्स्ट

डबल बोन की तरफ जाऊं या ओएच की तरफ तो देखो मेन फंक्शनल ग्रुप तो सीओएच बन चुका है ये सब्सिट्यूएंट है और ये मल्टीपल बोन्ड है सब्सिट्यूएंट पे प्रायोरिटी किसको देते हैं मल्टीपल बोन को तो ये वन डेस हो गया ये टू डेस हो गया ये थ्री डेस हो गया और ये फोर डेस हो गया और ये फाइव डेस हो गया और ये सिक्स डेस हो, हो गया तो ओएच ग्रुप लगा हुआ है सिक्स पे एक ये अपना ये वाला कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट हो गया जो कि चार नंबर पे लगा हुआ है तो चार नंबर पे सिक्स नंबर पे हाइड्रोक्सी है तो चार पे सिक्स हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन टू इन ऑल इसका नाम हो जाएगा आयल और थ्री मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा तो आंसर जाएगा फोर्थ सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है नोमर का नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये बोला है कि व्हाट इज द रोंग अकॉर्डिंग टू आईपीसी कन्वेंशन इन द फॉलोइंग नेमिंग रोंग पूछा है कि रोंग क्या है तो कंपाउंड क्या दिया हुआ है उसको OH तो अगर मैं इसकी कलर 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 हमें बनाऊं तो करेक्ट चेन तो ये वाली बनेगी नंबरिंग होगी वन टू थ्री ये करेक्ट चेन है ये करेक्ट चेन मैंने बनाई है करेक्ट चेन बनाई है पहला बोला पेरेंट चेन इज इनकरेक्टली सिलेक्टेड क्या इसमें पेरेंट चेन इनकरेक्ट सिलेक्ट की हुई है तो इनकरेक्ट की स्टेटमेंट तो सही हो गया पेरेंट चेन है थ्री कार्बन की पेरेंट चेन तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है एक दो तीन तो ये भी सही है ये भी ट्रू जो है आईपीसी क्या तो देखो यहां से यहां पे बोला वन पे नहीं लगा हुआ हाइड्रोक्सी तो गलत हो गया ना स्टेटमेंट वन पे नहीं लगा हुआ हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी जो ग्रुप लगा हुआ है वो यहां ये वन तो ठीक है ये यहां कितना आना चाहिए था टू आना चाहिए था तब सही होता ना

कि यहां पूछा है एक कंफर्मेशन के आरा, रिगार्डिंग आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है फाउंड आउट द मोस्ट स्टेबल कंफर्मर ऑफ सिस थ्री फ्लोरोक्नोल सिस मतलब सिस इसकी बात कर रहा है ओ OH और ये फ्लोरिन तो यहां पे सिस पे दो फॉर्म बनेंगे एक बार दोनों एक्जीएल पे जाएंगे और एक बार दोनों इक्वेटोरियल पे जाएंगे तो जनरली वैसे तो एक्जियल इक्वेटोरियल वाला स्टेबल होता है बट यहां पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर लगा है दिस कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल कंफर्मर होगा फर्स्ट ओके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम मैक्सिमम

इसका क्या हो जाएगा मैक्सिमम स्टेरिक स्ट्रेन नेक्स्ट ये अच्छा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू और इसके रिगार्डिंग आपको ये आंसर देना है तो देखो इधर इलेक्ट्रॉन हम ये बोलते हैं कि ये बोला है एओ एच इज मोर एसिडिक देन डी ओ एच तो एच और ये दिया हुआ है डी ओ एच इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर एसिडिटिक एसिडिक नेचर बढ़ेगा और बेसिसिटी नेचर क्या होता है डिक्रीज होता है सिंपल सा क्वेश्चन है तो यहां एओएच मोर एसिडिक तो ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है 3.77 और डी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है 3.10 तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो ये स्टेटमेंट सही है ठीक है। फिर है बी ओ एच इज मोर बेसिक देन सीओ एच तो बीओ एच और ये एच। बी की कितनी दी हुई है 1.12 और 2.25। ज़्यादा इसकी है, तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया बेसिक ज्यादा कौन हुआ बी ओ एच तो ये बोला है कि बी ओ देन सीओ एच तो ये भी सही स्टेटमेंट है स्टेटमेंट सही है ये, ये ट्रू स्टेटमेंट है ये भी ट्रू स्टेटमेंट है बीओ एच इज मोर बेसिक देन एओ एच बीओ मोर बेसिकॉनिक नहीं है एच से क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक है तो इन करेक्ट स्टेटमेंट बात होगा फोर्थ तो आंसर जाएगा वो जाएगा फोर्थ इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट उसी पैसेज की बेस्ट में है उसी पैसेज के बेस्ट पे है और यहां वही बताना है कि सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट डी इज मोर एसिडिक देन तो वो ही है एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वही सेम है तो ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट डी इज मोर एसिडिक तो डी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है देन ए एक इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है तो ए का ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा डी के कंपेरिजन में एसिडिक नेचर ज्यादा रहेगी तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया स्टेटमेंट है ऑक्साइड ऑफ सी एंड डी आर बेसिक ऑन बे, नेचर सी और डी ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखो आप कितनी है 3.1 नाइट्रोजन के इक्वल है कार्बन के इक्वल है तो इनके ऑक्साइड तो एसिडिक नेचर के होते हैं तो ये भी रोंग है ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट बी इज बेसिडिक बेसिक एसिडिक इन नेचर ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट बी इज एसिडिक नेचर ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो इसका ऑक्साइड जो होगा वो बेसिक नेचर का होगा किस नेचर का होगा बेसिक होगा तो ये भी रॉन्ग है तो सही स्टेटमेंट ये आएगा बी ओ एच इज मोर बेसिक तो बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी ओ एच बी OH एच मोर बेसिक देन एच ओ तो B की इलेक्ट्रॉनिटी दी है 1.12 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी होती है 2.1 तो ज्यादा एसिडिक एच ओ एच हो गया बेसिक ज्यादा बी ओ हो गया बी ओ एच इज मोर बेसिक देन एच टू तो ये वाला स्टेटमेंट सही है रीड आउट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं चलो हाँ जी ये भी प्रोडिक्टेबल से बिलोंग कर रहा है देखे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट नाइट्रोजन गेन इलेक्ट्रॉन गेन गेनपी ऑफ नाइट्रोजन इज नेगेटिव गलत बात है नाइट्रोजन में जब हम इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाते हैं तो इसका स्टेबल है माइनस में जाएगा तो इस प्रोसेस का डेल एच क्या आता है पॉजिटिव आता है तो ये ग्रॉन्ग स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एफिनिटीन इज लेस देन क्लोरिन जी हाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोन एफिनिटी होती है 3.25 और इसकी होती है 3.49 तो क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरिन की कम है तो ये स्टेटमेंट सही है इलेक्ट्रॉन के लिए affinity, फ्लोरीन की कम है क्लोरीन से सही है क्योंकि फ्लोरीन में ऐड करते हैं तो थ्री टू फाइव एनर्जी रिलीज होती है क्लोरीन में ऐड करते हैं तो थ्री फोर नाइन एनर्जी रिलीज होती है सेकेंड इलेक्ट्रॉन गशन इज पॉजिटिव जी हाँ ऑलवेज ऑलवेज आल्व फॉर्मेशन ऑफ पोली एनाइनिक Species, species, always endo, हमेशा क्या होती है एंडो क्योंकि ऑक्सीजन से ओ माइनस जाऊंगा तब तो एनर्जी रिलीज होगी और वो रिलीज कितनी होगी 144 रिलीज होगी बट ओ से ओ माइनस टू जाऊंगा तो सेवन फोर्टी मुझे देनी पड़ेगी तो ओवरऑल ओवरऑल प्रोसेस कैसा हो गया एंडोथर्मिक तो ये भी सही है इलेक्ट्रॉन गेनेथिली वैल्यू में भीटिव जी हाँ जैसे नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन गेने की वैल्यू पॉजिटिव आई यहां फर्स्ट ईयर की नेगेटिव आई सेकंड ई की वैल्यू क्या आई पॉजिटिव आई तो नेगेटिव पॉजिटिव आ सकती है ये सही है फोर्थ तो टू थ्री फोर मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन था होपफुली समझ में आ गया होगा नेक्स्ट बात करते हैं देख ले भैया क्वेश्चंस को एक बार कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं ये लो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का स्टडीज रिगार्डिंग क्वेश्चन है बोला है विच ऑफ आर ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या कंडीशन होनी चाहिए कंपाउंड में ठीक है फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड डो डू नोट सीओएस ना तो उसमें पीओएस एस होनी चाहिए और ना ही उसमें सीओएस होनी चाहिए तो ये वाला तो ऑप्टिकल एक्टिव हो गया प्लेन लगेगी क्या बताओ क्या इसमें प्लेन लगेगी क्या नहीं लगेगी यहां से काटोगे तो ये सीएसटी ऊपर है और ये सीएसटी नीचे है तो ऑप्टिकली एक्टिव इसमें ये कार्य सेंटर है सिंगल कार्य सेंटर पे हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव ये वाला ये बीच वाला क्या है sp3 है दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसा है तो इधर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसा है इधर ऑक्सीजन नाइट्रोजन इधर नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो यहां से काटोगे तो n और o तो हॉप अप हो जाएंगे बट उस ऑक्सीजन के सामने नाइट्रोजन आ जाएगा मतलब ये भी क्या हुआ ऑप्टिकल एक्टिव इस पे बात करते हैं तो देखो लार्ज कंजुगेशन हो रहा है ठीक है देयर इज नो कोर सेंटर p o क्या हो जाएगी इसमें प्रजेंट हो जाएगी कोई कार्य सेंटर नहीं है अलग से ये कॉन्जुकेशन हो रहा है तो ये सभी यहां कार्य सेंटर नहीं है यहां कार्य सेंटर नहीं है बाकी ये वाला स्केलेटन सारा sp2 में चला गया तो ये वाला क्या होगा ऑप्टिकल इनएक्टिव तो आंसर क्या आएगा हमें पूछा ऑप्टिकली एक्टिव तो वन टू और थ्री इज करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है विच रिलेशनशिप इज आर करेक्ट टिकल क्या ये दोनों आइडेंटिकल है क्या तो गौर से देखो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर यहां पर ठीक है और ये सी एच थ्री और ये नाइट्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में है इसमें भी सी एच थ्री और नाइट्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में इस नाइट्रोजन के लोन पेयर यहां पर है यहां एच और लोन पेयर अपोजिट यहां भी एच और लोन पेयर अपोजिट हमें देखना है अराउंड द डबल बोन डबल बोन के अराउंड हमें चेक करना है सी एच थ्री एन अपोजिट सी एच थ्री एन अपोजिट तो मतलब आइडेंटिकल है सही है आइसोमर जी हाँ इसमें बी आर की पोजिशन है वो वन टू है और यहां बी आर की पोजिशन वो कौन सी है वन थ्री है तो ये पोशन आइसोम सही है ये वाला फंक्शनल ग्रुप आइसोमिजम जी हाँ इसमें इधर क्या है ईथर है और इसमें इधर क्या है एल्कोहल और ये क्या है एस्टर और इधर क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है नेक्स्ट बोला है

ठीक है तो यहां बात करूं तो नंबरिंग यहां से होगी लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट नाम तो सुना ही होगा वन टू थ्री। तो थ्री इथाइल गलत हो गया वन इथाइल लिखा हुआ है गलत हो गया ठीक है रोंग है इसकी बात करें तो मेटा मेटा आईपीसी में यूज में नहीं होता है इसका आईपीसी नाम होगा वन टू थ्री वन थ्री डाई मिथाइल लिखेंगे बेंजीन ये इसका आईपीसी नाम है तो ये भी गलत है यहां बोला है साइक्लो टू साइक्लोप्रोपाइल तो यहां पहले चेन बनाई तो ये वाला कंपाउंड है यहां अपन सही नियम करके देख लेते हैं ये सी ट्रिपल बोन्ड एन और यहां भी लगा हुआ है सी ट्रिपल बोन्ड एन तो यहां चेन जो बनेगी चेन जो बनेगी वो ये वाली चेन बनेगी ठीक है और यहां वन टू थ्री तो टू मिथाइल

और यहां बोला है फिनोल तो ये नेम भी क्या है सही है तो आंसर इसका जो जाएगा वो जाएगा वन और टू हमें पूछा रॉन्ग नेम कौन से हैं तो वो जाएगा वन और टू बोलो कोई डाउट नेक्स्ट इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कुछ स्ट्रक्चर्स दी हुई है इनमें रिलेशन बताने हैं आपको स्ट्रक्चर सेकेंड इज मीजो कंपाउंड मीजो कंपाउंड का क्या कंसेप्ट है एटलीस्ट टू कायरल सेंटर टू कायरल सेंटर विथ पी ओ एस और सीओएस. एस तो दो कायरल सेंटर तो सबके पास ही है सेकेंड मिजो है या नहीं है इसके देखते हैं तो दोनों सी ओ एच अपोजिट है दोनों ओ एच अपोजिट है और दोनों एच भी क्या है अपोजिट है मेरे बात समझ में आ रही है दोनों सीओ एच अपोजिट है दोनों पीओ एस अपोजिट है तो ये सही बात है अपोजिट डायरेक्शन में है सब फिर है, तो इसमें क्या प्रेजेंट हो गया सेकंड में एस प्रेजेंट हो गया स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड डाइस्टीरियोमर देखो फर्स्ट ये रही और तो जैसा उधर है वैसा इधर है

चेंज हो गया वहां बीआर बिलो द प्लेन है और यहां बिलो द प्लेन है तो ये भी डायस्टीरियोमर है ये भी सही है स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड फोर आर एनैनचोमर जी हाँ फर्स्ट में देखो यहां बीआर बिलो द प्लेन यहां बीआर बिलो द प्लेन ठीक है फिर एच ओ एच तो यहां प्लेन लगने की पॉसिबिलिटी है नहीं कायरल सेंटर है तो ये वाला भी सही है ये एनैनचोमर रहेंगे आप इनको बना के चेक कर सकते हो इसका कॉन्फिगरेशन निकालोगे इसका जो कॉन्फिगरेशन आएगा अगर इसका आ रहा है तो इसका ऐसा और इसका आर आएगा इसका ऐसा है तो इसका आर आएगा इसका आ रहा है तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछा क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज आर आइडेंटिकल आइडेंटिकल कंपाउंड कौन सा है एडेंटिकल कंपाउंड कौन सा है तो देखो आप इधर एडेंटिकल की बात हम करते हैं तो ये वाला कंपाउंड जो है ये जो कंपाउंड है इसमें ऐसे बना रखा है हमने Cl और वहां भी Cl और ये H और ये CH3 ये CH3 और ये H इसका ये ऑप्शन चेक करता हूं आइडेंटिकल है क्या तो ये CH3 और ये Cl और ये H ये सी एच थ्री ये एच और ये सी एल तो क्या मैं इसमें इवन चेंज करूं तो ये बनेगा क्या देखो कैसे बनता है एच सी एच थ्री एच को इधर लेके आओ और सी एच थ्री को उधर लेके जाओ फिर सी एच थ्री को ऊपर लेके जाओ Cl को नीचे लेके आओ ठीक है तो ये सेम ही बन जाएगा बोथ आर आइडेंटिकल दोनों क्या है आइडेंटिकल है सेम ही बनेगा आप इसमें अगर इवन चेंज करोगे तो ये यह यहां पे आपको नजर आएगा इवन चेंज इवन चेंज नजर आएगा समझ ले भैया सीएस को पहले वहां लेके गया फिर एच को यहां लेके गया तो यहां फिर सी एस और सी एल और ये एच फिर सीएल सीएस आइडेंटिकल नजर आएंगे ये वाले और बाकी ये कोई भी आइडेंटिकल नहीं है बाकी कोई भी आइडेंटिकल नहीं है आप आराम से देख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है आराम से देख सकते हैं इनको यहां बाकी कोई भी आइडेंटिकल नहीं है आइडेंटिकल जो है इसमें केवल वो है फर्स्ट वाला नेक्स्ट फर्स्ट इज करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट फॉर डी ग्लिसेल डी हाइड डी द सिंबल डी इंडिकेटेड द डेस्टोरेटेटिव नेचर ऑफ द कंपाउंड ना ये डी तो किसको डिसाइड करता है कॉन्फ़िगरेशन को और ये प्लस किसको बताता है नेचर ऑफ रोटेशन को किसको बताता है नेचर ऑफ रोटेशन को द सिंबल डी इंडिकेट द डेक्टो रोटेटी नेचर ऑफ द कंपाउंड गलत बात हो गई द साइन प्लस इंडिकेटेड द डेक्टो रोटेट्री नेचर ऑफ द कंपाउंड ये बात सही है नेचर ऑफ रोटेशन दिखाता है द सिंबल डी इंडिकेटेड द हाइड्रोजन एटम लाइज लेफ्ट द काइरल सेंटर इज द पीसर प्रोजेक्शन जी हाँ ये वाला बात हुई है इसकी सी एच ओ सी एच टू ओ एच एच ओ एच यहां पे H लेफ्ट में आएगा तो हम क्या बोलते हैं डी बोलते हैं तो ये वाला सही है द सिंबल डी इंडिकेटेड द हाइड्रोजन एटम लाइज राइट तो काइरल सेंटर इन द फिशर प्रोजेक्शन नहीं गलत है लेफ्ट वाला क्योंकि अगर राइट right में आए ना इधर एच आएगा ना तो उसको हम क्या बोलेंगे एल कॉन्फिगरेशन बोलेंगे बोलो नेक्स्ट

ठीक है स्ट्रक्चर हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री ठीक है तो मैंने बोला प्लेन केवल पोएस एंड सीओएस बोथ की बात होती है ये दोनों एब्सेंट होगी ना एब्सेंट होने पर कंपाउंड क्या होगा कायरल

एम्फोटेरिक मेटल ठीक है एम्फोटेरिक मेटल की रिएक्शन आप चाहे एसिड से करवाओ चाहे बेस से करवाओ कौन सी गैस रिलीज होगी एच टू गैस रिलीज होगी मेटल कौन से होते हैं? बेरिलियम हो गया एल्यूमिनियम हो गया जेडन हो गया एसन हो गया पीबी हो गया और गेलियम हो गया तो बेरेलियम करेगा एसन करेगा जिंक करेगा यह नहीं करेगा सिंपल क्वेश्चन है नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ द स्पीसीज आयनिक रेडिया तो ये वाला वही सेम एलिमेंट आयन है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज भरने पे रेडियो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो पहला पेयर गलत हो गया एफ प्लस टू की रेडियाई एफी प्लस थ्री से ज्यादा है सेकंड आईपी जी हाँ एन है वो है टू 2p3 टू टू पी थ्री और ऑक्सीजन है वो है टू 2p4 टू टू पी फोर पहला इलेक्ट्रॉन निकला एन प्लस में गया तो इसका कॉन्फिग्रेशन हो गया एन प्लस में गया तो हो गया टू एस टू टू पी टू और ये जाएगा ओ प्लस में तो इसका कॉन्फिग्रेशन जाएगा टू एस टू टू पी थ्री तो ये स्टेबल हो गया स्टेबल बाई हाफ फिल्ड कॉन्फिग्रेशन

इंडिनियम की होती है तो क्या थेलियम की से ज्यादा है तो ये भी सही हो गया नेक्स्ट हाँ, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रखता है तो एच लेफ्ट में है तो ये वो तो कौन सा फॉर्म हो गया डी हो गया इसको पहले सही लिखना पड़ेगा 180 रोटेट इन द प्लेन ठीक है आपका मोस्ट प्रोडक्टिव ग्रुप ऊपर की तरफ होना चाहिए रोटेट करेंगे सी ओ एच सी एच थ्री और रोटेट जैसे करेंगे एच और ये 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 एन तो अब ये क्या है ये L है एल इसकी बात करेंगे तो वहां वन टू थ्री फोर फाइव हाइएस्ट पे एच इधर है तो ये भी क्या है एल इसमें हाइएस्ट चेक करते हैं हाइएस्ट कायरल सेंटर और इसमें एमिन में लोवेस्ट देखते हैं एसिड में लोवेस्ट देखते हैं इसमें बात करेंगे तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा नंबरिंग इधर से वन टू थ्री फोर तो पहले इसको वन एटी से क्या करना पड़ेगा रोटेट करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा रोटेट रोटेट करूंगा तो एच इस साइड आ जाएगा तो ये कौन सा आ जाएगा डी तो एल पूछा है तो आंसर टू और थर्ड नेक्स्ट जी हाँ ओके फॉलोइंग द ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड कौन सा है तो ये वाला ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है भैया इनएक्टिव ड्यू टू पिरामिडल इनवर्जन पिरामिडल इनवर्जन मतलब मैजिक वाला है फटाया हुआ है क्लास में मैजिक वाला कंपाउंड इसके लोन पर कभी ऊपर कभी नीचे कांट बी रिजोल्व इसको हम रिजोल्व नहीं कर पाते हैं इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव ये ऑप्टिकली इनएक्टिव भैया ये सेंटर है, है वन सेंटर ऑप्टिकली ये क्या हो गया एक्टिव हो गया ऑप्टिकल एक्टिव यहां पे सी एच और ये पी एच डबल बोन्ड C डबल बोन्ड और ये पी एच और ये सी एच दोनों इधर वाले सी एच और पी एच ऐसे हैं इधर वाले दोनों सी एच थ्री पी एच ऐसे हैं तो प्लेन नहीं लगेगी पी ओ एस भी क्या है इसमें एब्सेंट है और सी ओ एस भी क्या है इसमें एब्सेंट है तो इसका मतलब ये क्या हो गया ऑप्टिकल एक्टिव नेक्स्ट एक कार्य सेंटर है ये भी क्या हो गया ऑप्टिकल एक्टिव आपसे पूछा है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कौन सा है अमंग द फॉलोइंग द ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड तो ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड केवल कौन सा है फर्स्ट है बाकी सभी ऑप्टिकल एक्टिव है ठीक है नेक्स्ट ये लो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेसो कंपाउंड मेसो कंपाउंड की कंडीशन बताई एटलीस्ट टू काइरल सेंटर तो देखो इसमें दोनों ओएचएनटी सीओएचएनटी एचएनटी मतलब सीओएस क्या है परसेंट ये हो गया ऑप्टिकल इनएक्टिव इसमें दोनों O's OH सेम साइड हो गए H-H-B सेम साइड हो गए C-O चपोल्ड है तो इसमें c o क्या है एब्सेंट इसमें c o क्या रहेगी एब्सेंट रहेगी समझ में आया C-O-S एब्सेंट क्यों है ठीक है और इसमें P-O-S एब्सेंट और इसमें भी जी नहीं लगेगी पीओ एस एबसेंट सीओ एस एबसेंट तो मीजो केवल कौन सा होगा फर्स्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सक्सेसिव एनर्जी ऑलवेज फॉलो इंक्रीजिंग ऑर्डर जी हाँ कि पहला हमेशा आई ई वन से ज्यादा आएगी आई ई टू आई ई टू से ज्यादा आएगी आई ई थ्री तो हमेशा यही ऑर्डर फॉलो होता है तो ये तो सही है

एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोस्परस एटम विल बी विजोथर्मिक फोस्पोरस पे पहला इलेक्ट्रॉन एड करोगे तो एक्जो होता है हाँ ये ध्यान रखोगे नाइट्रोजन पे पहला इलेक्ट्रॉन एड करते हैं तो वो एंडो होता है बट ये एक्जो होगा तो ये स्टेटमेंट सही है ये सही है आंसर वन थ्री फोर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट तो इसमें कुछ नहीं बोला दो तीन चीजें बोली हुई है उनको समझ लें आप ठीक है देखो फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन और यहां पे आ गया पोस्परस। सबसे ज़्यादा क्लोरीन की फिर फ्लोरीन की फिर सल्फर की फिर ऑक्सीजन की फिर फोस्फरस की फिर नाइट्रोजन की इसका ध्यान रखिए भैया बहुत इंपोर्टेंट यहां पे मैक्सिमम हो गई और यहां पे मिनिमम हो गई तो NOs सल्फर की ज्यादा है ऑक्सीजन नाइट्रोजन सही है ClO NC तो Cl की ज्यादा रहेगी फिर ऑक्सीजन की आ गई फिर N की गलत ऑर्डर हो गया N से ज्यादा N से ज्यादा किसकी होती है C की ज्यादा होती है N से इसकी तो किसी में आती है पॉजिटिव में आती है गलत हो गया ये वाला Cl की फ्लोरीन की सल्फर की ऑक्सीजन की सही हो गया BS सिलिकॉन सल्फर और बोरोन ये वाला भी क्या है सही है भाई कार्बन से ज्यादा सिलिकन की ठीक है और यहां पे बोरोन की ये बढ़ेगी बोरोन की है फिर इधर सिलिकन से ज्यादा सल्फर की थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है नेक्स्ट ये अच्छा क्वेश्चन है फोर्टी फोर एन एटोमिक नंबर ऑफ एलिमेंट 44 एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अबाउट एलिमेंट इज इस एलिमेंट uh, जो दिए हुए हैं इनके लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होंगे ये आपसे पूछा हुआ है ठीक है तो एक सिंपल सा कांसेप्ट हम देखें क्वेश्चंस में तो बहुत सिंपल सा पता लग जाएगा कि 44 जो है ना वो होता है टेक्नीशियम ऊपर मैगनीज है ये टेक्नीशियम है 44 और इसके नीचे आ गया रेनियम ओके चलो सीधा सा कंसेप्ट इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है एक मिनट देखो समझो हम ये पढ़ते हैं कि आयरन एक ये मोलिबेनम मोलिबेनम का कितना होता है फोर्टी फोर एम एन टी सी ई इसका कितना होता है फोर्टी थ्री एफ आर यू ओ एस इसका होता है फोर्टी फोर ठीक है तो अब इसी कांसेप्ट से हम लगाते हैं किसन को तो यहां ये ए तो है आयरन और ये है रूथिनियम और ये है ओस्मियम फिर इसके बाद यहां पे ये तो हो गया आपका ए फिर इसके पीछे कौन आएगा यहां कौन है यहां है मैग्नीज और ये कौन आ गया पीसी फिर यहां कौन आया क्रोमियम मोलिब्डेनम और ये टंगस्टन यहां गया? आरी। आ गया आरई और इधर कौन आया आया कोबाल्ट ये वाले एलिमेंट आए और इधर कौन आया निकिल प्लेटिनम और कौन आया पेलेडियम अब समझ ले भैया फटाफट से समझ ले फोर वाला है ये फोर्टी फोर है ये वाला इसको बोला है डी ठीक है और इसको बोला है बी और, और इसको बोला है सी और ई को बोला है सॉरी ये पेलेडियम यहां आएगा प्लेटिनम यहां आएगा इसको बोला है ई e. और इसको बोला है ए अब देख लो सी हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल जी हाँ हाई होता है सही है बी इज आर्टिफिशियल एलिमेंट जी हाँ D blocka, और फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट है तो ये स्टेटमेंट भी सही है ई कैन नॉट डिजोल्व इन सिंगल एसिड जी हां प्लेटिनम ओनली डिजोल्व इन एक्वारेजिया तो एक्वारेजिया दो एसिड का मिक्सर है सिंगल एसिड में डिजोल्व है नहीं होगा तो ये बात भी सही है डी हेज फाइव अनपेड इलेक्ट्रॉन जी ना आयरन के पास फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं फोर डी हेज फाइव अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये वाला क्या हो गया गलत आंसर आ गया वन टू थ्री नेक्स्ट ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है देख ले द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पाइनशियल एनर्जी गलत है गलत क्योंकि आईई थ्री का मैक्सिमम होगा पी सिक्स इलेक्ट्रॉन जी हाँ पी सिक्स इलेक्ट्रॉन है आयन आयन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर बोलते मर्क्यूसराटिक्ल एच जी और एच जी ये प्लस और ये प्लस दो इलेक्ट्रॉन यहां इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं मेटल मेटल बॉन्ड है तो ये डायमैग्नेटिक होता है क्या होता है डायमैग्नेटिक देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहां कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है नो no अनपेड इलेक्ट्रॉन ठीक है तो ये गलत हो गया ठीक है उसके बाद क्रोमियम एंड सल्फर है, है सेम नंबर ऑफ वैलेंस एल इलेक्ट्रॉन जी हां सल्फर के वैलेंस सेल में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं क्रोमियम के भी वैलेंस सेल में छह इलेक्ट्रॉन मानते हैं एन माइनस वन डी फाइव और एन एन एस वन इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होती है ऑलमोस्ट एनर्जी सेम ऑलमोस्ट एनर्जी सेम तो डी ब्लॉक के एलिमेंट में वैलेंसल इलेक्ट्रॉन जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं एन माइनस वन डी प्लस एनएस इलेक्ट्रॉन को किसको माना जाता है एन माइनस वन डी प्लस एनएस इलेक्ट्रॉन को तो क्रोमियम के वेलेंसल में भी सिक्स इलेक्ट्रॉन आएंगे ये स्टेटमेंट सही है तो ये था एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नाउ हम बात करेंगे इंटीजर क्वेश्चन की और इंटीजर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा, रहा होगा आपको क्या है हाउ मेनी कंपाउंड आर इन ऑफ मिथाइल ब्यूटेन तो टू मिथाइल ब्यूटेन ये हुआ क्या तो इसका क्लोरिनेशन कराऊंगा तो एक बार ये बनेगा एक, एक ये बनेगा दो एक ये बनेगा ये तो बना दिया ठीक है और एक ये बनेगा तो यहां बनाया तब कोई कायरल सेंटर नहीं इसमें कायरल सेंटर आ गया तो इसका आर और एस दोनों क्या है कायरल है यहां जब यहां लगाया है CCL CCL तो ये भी क्या बन गया कायरल सेंटर तो इसमें भी दो आए आर और एस तो कायरल कंपाउंड कितने बने हैं चार ऑल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड आर कोल्ड कायरल नेक्स्ट हाउ मेनी ऑफ देम हाउ आइसो प्रोफाइल ग्रुप किसको बोलते हैं आइसो प्रोफाइल ग्रुप इसको बोलते हैं आइसो प्रोफाइल ग्रुप टू मिथाइल पेंटेन तो टू मिथाइल पेंटेन ही हो गया आइसो प्रोफाइल ग्रुप है टू टू मिथाइल ब्यूटेन इसमें आइसो प्रोफाइल ग्रुप नहीं है थ्री इथाइल टू मिथाइल ऑक्टेन आठ कार्बन तीन छ सात आठ फोर नंबर पे इथाइल लगाना है फोर वन मिथाइल इथाइल वन टू थ्री फोर यहां पे तो ये हो गया वन मिथाइल इथाइल तो इसमें ये वाला आइसोप्रोपाइल ग्रुप आ गया ठीक है फिर एक ये तो मैंने बनाया इसका शोरी 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 गड़बड़ हो गया तो इसमें तो आ गया ना अपने पास इसमें नहीं आया ऐसे ही इसका मैंने बोलो हेप्टेन तो हेप्टेन में यहां से एक कार्बन कम कर दो तो इसमें भी आ गया अब हमें बात कर बात करना है फोर्थ की सी की बात करनी है सी की तीन तीन छह एक सात एक आठ फोर इथाइल एक दो तीन चार फोर इथाइल टू थ्री डायमिथाइल इसमें भी आ गया तो कितने में है तीन में सेकंड का आंसर हो जाएगा हो जाएगा तीन नेक्स्ट ये बहुत सिंपल सा है सिंपल है ये तो एकदम द नंबर ऑफ पिस स्पीसीज हैविंग हायर फर्स्ट आइनेशन एनर्जी देन कैल्शियम फ्रॉम द फॉलोइंग तो कैल्शियम से हायर कौन कौन रखेगा गैलियम का हायर होगा जर्मेनियम का हायर होगा ब्रोमीन 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 का हायर होगा कि नहीं होगा वो हमें चेक करना है ब्रोमीन का होगा कि नहीं होगा ठीक है ब्रोमीन का हायर होगा सल्फर ये सल्फर है भैया क्रिप्टोन का आर्सेनिक का पोटेशियम का क्या होगा कम होगा पोटेशियम का क्या होगा कैल्सियम से कम होगा ठीक है तो कितने एलिमेंट हैं जो ये रखते हैं तो वो सिक्स आ जाएगा आंसर नेक्स्ट ये लो भैया हाउ मेनी स्पीसीज टोटोमेरिज्म कितने शो करेंगे ये वाला नहीं करेगा ये वाला नहीं करेगा ये वाला यहां से करेगा ये वाला भी करेगा ये वाला नहीं करेगा ये वाला नहीं करेगा ये वाला करेगा यहां से ये वाला यहां से करेगा ये वाला यहां से करेगा ये वाला करेगा एच करता है ये वाला भी करेगा

क्योंकि आर एस कॉन्फिग्रेशन तो निकालना आना ही चाहिए तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा थ्री थ्री नेक्स्ट हम्म द मोस्ट स्टेबल कंफर्म ऑफ चेयर फॉर्म जी हां फॉर्म में स्टेबल होगा ये ओ OH एच और ये ओ OH एच इनके बीच क्या हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सही बात है सिस वन थ्री साइक्लोहेक्जो डायोल इज मोर स्टेबल देन ट्रांस जी हां ट्रांस वाला यह आएगा और ये वाला कौन सा है सिस और ये वाला है ट्रांस ट्रांस में हाइड्रनबोनिंग नहीं होगी तो सिस वन थ्री डायोल इज मोर स्टेबल सही बात है इन सिस सिंथ्री साइ डायोल एक्जेंडायोल बोधा ओव ग्रुप ओपिकोबाई इक्वेटोर गलत बात है सिस में इक्वेटोरियल पे नहीं जाएंगे दोनों एक पे जाएंगे, हो जाए, मोस्ट ट्रांस वन और एक ओवच इधर जाएगा बट इन सिंह सिस फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी जहां दोनों ओवच के बीच क्या हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा तो सही स्टेटमेंट हमसे पूछा है तो इसमें से चार स्टेटमेंट सही है नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट पॉजिटिव और जीरो इलेक्ट्रॉन तो इसका तो नेगेटिव में आता है नेगेटिव। आ जाओ तो यार नेगेटिव 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 पॉजिटिव इसका भी पॉजिटिव और इसका भी पॉजिटिव तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा जीरो थ्री नेक्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर तो इसका डी यू निकालोगे तो टू आएगा तो एक तो ट्रिपल बॉन्ड एक ये वाला ट्रिपल बॉन्ड एक ये वाला ये तो एल कीन बन गई एल का डाई इन बनेगा लगातार लगा दो वन फोर पे लगा दो चार कार्बन पे बाईस साइक्लो बनेगा यहां पे बाईस साइक्लो की पॉसिबिलिटी भी आएगी चार कार्बन पे बाई साइक्लो ये वाला बन जाएगा अब इस पे भी तो चार कार्बन पे साइक्लो सबसे स्मॉलेस्ट साइक्लो एल्किन ये वाला है उसके बाद साइक्लो ये वाला है ठीक है इसके अलावा इसमें डबल बोन लगा के एक बार यहां लगा सकता हूं एक बार यहां लगा सकता हूं ठीक है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन आंसर आ जाएगा नाइन ठीक है नेक्स्ट हाउ मेनी पेयर आर इन द दोलोइंग फर्स्ट स्पीसीज लोअर आइनस एनर्जी सेकंड दीज तो लोअर रखनी चाहिए तो यहां नाइट्रोजन की ज्यादा है ऑक्सीजन से यहां पोटेशियम की कम है ब्रो, आ, ब्रोमीन की ज्यादा है किससे पोटेशियम से बेरिलियम की ज्यादा है बोरोन से आई आई माइनस में तो यहां आई की ज्यादा है आई माइनस से एल आई में एल आई की कम है एल आई प्लस की, प्लस की क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन की ज्यादा है सल्फर से और बेरियम और स्ट्रोनशियम में बेरियम की कम है स्ट्रोनशियम से तो फर्स्ट में कम कहां है तो दो अपने पास पेयर आए हैं ऐसा एक ये वाला और एक ये वाला मतलब क्वेश्चन नंबर नाइन का जो आंसर जाएगा हो जाएगा जीरो टू नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विच है ओनली सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन जीरो तो देखो सीजियम केवल प्लस वन बेरेलियम केवल प्लस टू फ्लोरिन केवल माइनस वन जेडन प्लस टू बेरेलियम प्लस टू एल्यूमिनियम और प्लस दोनों शो करता है गेलियम भी प्लस वन और प्लस थ्री दोनों शो करता है पी बी प्लस टू और प्लस फोर दोनों शो करता है तो ये वाले एलिमेंट जो हैं, वो केवल सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं आंसर जाएगा हो जाएगा जीरो सिक्स तो, तो याद, ये था एडवांस का पेपर होपफुली पेपर अच्छा गया होता सॉल्यूशन को देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर पेपर कैसा लगा ओके थैंक यू